हेलो दोस्तों, आई टी क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था विभिन्न मान ट्रेड औजार, तो उसके अंदर हम औजारों का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने प्लायर कर लिया, हैमर कर लिया, हेक्सा कर लिया। तो जो आगे हम करने जा रहे हैं, आज के हम तीन टॉपिक करेंगे जिसमें फर्स्ट नाम आएगा पेचकस के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा है जो किसके बारे में, फेज टेस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा आज का टेस्टिंग लैम्प। तो इन तीनों के बारे में क्या है आज हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिशियन में काम आते हैं, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही हो तो एक बार कमेंट करके बता दें। तो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें फर्स्ट हेडिंग डालो, आपका फर्स्ट नंबर जो आएगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है जो किसका है, पेचकस। दूसरा नंबर है जो किसका है, फेस टेस्टर का। और तीसरा नंबर है वो किसका है, ये टेस्टिंग लैम्प का। तो इनके बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालनी है और आपको डायग्राम बनाना है, ये वाला जो ये डायग्राम है वो आपको बनाना है इसके साथ, इस थ्योरी के। तो आप पहले डायग्राम बनाना, फिर क्या करना है आपको थ्योरी लिखनी है इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको पेचकस है उसके बारे में बताता हूँ। तो पेचकस जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पेचकस, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो पेचकस को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। तो पेचकस है तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, और आपने जनरली पेचकस के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो पेचकस का उपयोग, पेचकस का प्रयोग, पेचकस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के औजार, विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार के पेचों को खोलने खोलने व कसने खोलने में भी करते हैं, और कसने के में किया जाता है। तो क्या है कि पेचकस का जो प्रयोग है वो कहाँ पर करते हैं, तो पेचकस का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पेचकस के बारे में अध्ययन। अब आते हैं आपको डायग्राम के अनुसार इसमें मैं भाग समझा देता हूँ। तो ये जो पेचकस है उसमें ये वाला भाग क्या कहलाता है, हैंडल कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, हैंडल कहलाता है। और जो ये वाला भाग है ये क्या कहलाता है, सेक कहलाता है। और जो आगे से जहाँ से स्क्रू अपन ढीला करते हैं वो वाला भाग क्या कहलाता है, ये जो वाला भाग है जहाँ से स्क्रू को खोलने के लिए अपन उसको लगाते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं, टिप कहते हैं। तो जो पेचकस है उसमें तीन भाग होते हैं, हैंडल, सेक और टिप।
ये तीन भाग है जो किसके अंदर होते हैं, पेचकस के अंदर होते हैं। और पेचकस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेचों को खोलने व कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर आते हैं कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो इसके मुख्य भाग, होते हैं, मुख्य भाग कौन कौन से होंगे, इसके मुख्य भाग टिप, सेक, टिप हो गया तो टिप यहाँ पर होता है, सेक यहाँ पर होता है, और ब्लेड हैंडल, टिप सेक हैंडल, इसके भाग होते हैं, तो इसके जो पेचकस है उसके तीन भाग होते हैं, टिप सेक और हैंडल, ये तीन भाग होते हैं। फिर है कि ये जो पेचकस है वो विभिन्न आकार के बने होते हैं। तो ये जो आकार है वो किसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनका आकार, ये जो है देखो, इनका आकार सेक तथा ब्लेड की लंबाई के आधार पर क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इनका आकार, सेक व ब्लेड की लंबाई के आधार पर, व्यक्त, इनका आकार सेक व ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। और नेक्स्ट लाइन में आता है कि ये अनेक प्रकार के होते हैं, ये अनेक प्रकार के, होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, दूसरा आ जाता है क्रॉस टिप, तीसरा आ जाता है यू टिप, और तीसरा आ जाता है यू टिप। तो देखो मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ कि जो ये पेचकस है उनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, विभिन्न प्रकार के पेचों को खोलने व कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेचकस का प्रयोग किया जाता है। इसके जो मुख्य भाग है वो है टिप सेक हैंडल, इसके क्या है मुख्य भाग होते हैं। और इनका आकार है जो सेक व ब्लेड की लंबाई के आधार पर क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और ये अनेक प्रकार के होते हैं जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप और यू टिप। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये पेचकस है, तो और आगे इसके बारे में लिखवाता हूँ मैं आपको। विष्णु एक बार फोन की क्वालिटी बढ़ाकर देखो। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ सेटिंग के ऊपर एक निशान होता है फोन में विष्णु, उसके ऊपर जाके एडवांस जो क्वालिटी है वहां पर जाकर ऑप्शन आपको क्लिक करना है।
फिर आते हैं कि इस पेचकस है तो इनका लंबाई किसके आधार पर व्यक्त करते हैं, शेक और ब्लेड की लंबाई के आधार पर क्या करते हैं, इनकी लंबाई को व्यक्त किया जाता है। तो ये 5 सेमी से 30 सेमी लंबाई में सामान्यतः बनाए जाते हैं। तो इनकी जो लंबाई है सामान्यतः वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक क्या होती है इनकी सामान्यतः लंबाई होती है। लेकिन विद्युत कार कितने सेंटीमीटर तक क्या यूज करता है, तो विद्युत कार जो इलेक्ट्रीशियन है वो 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक 20 सेंटीमीटर सेक फ्लैट फ्लैट टिप वाले पेचकस का प्रयोग करते हैं। तो जो विद्युत कार है वो कितने सेंटीमीटर तक के पेचकस का प्रयोग करता है, 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर सेक फ्लैट टिप वाले पेचकस का क्या करता है, प्रयोग करता है। सामान्यतः जो पेचकस की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है, और विद्युत कार 8 सेमी से 20 सेमी सेक फ्लैट टिप वाले पेचकस का क्या करता है, प्रयोग करता है। फिर आते हैं कि घड़ी जैसे उपकरणों को उपकरणों घड़ी जैसे उपकरणों को उपकरणों के लिए घड़ी जो आप जानते हो घड़ी है, तो उसमें स्क्रू कितने छोटे छोटे होते हैं। तो घड़ी जैसे उपकरणों के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर वाले पेचकस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो आपका पेचकस कंप्लीट होता है, और इस जो पेचकस है यहाँ से सावधानी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो एक बार पेचकस को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि पेचकस का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने व खोलने के लिए किया जाता है, और इसके जो मुख्य भाग होते हैं टिप शेक और हैंडल, इसके क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, और ये अनेक आकार व प्रकार में पाए जाते हैं, जैसे फ्लैट टिप क्रॉस टिप और यू टिप। और इनकी जो लंबाई है वो किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, शेक और ब्लेड की लंबाई के आधार पर क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। फिर आते हैं सामान्यतः ये कितने सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक लंबाई में ये पाए जाते हैं। विद्युत कार कितने सेंटीमीटर तक का पेचकस को प्रयोग करता है, तो वो 8 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर सेक और फ्लैट टिप वाले पेचकस का क्या करता है, प्रयोग करता है। फिर आते हैं कि घड़ी जैसे उपकरणों की मरम्मत के लिए 1 से 2 सेंटीमीटर लंबे पेचकस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं।
सही रहा है। फिर आगे जो टॉपिक है उसमें है इस पेचकस से संबंधित सावधानियां। तो सावधानियां हैं जो आपको पेचकस को काम में लेते समय क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हें। तो फर्स्ट जो सावधानी है उस वो है कि इन्हें छेनी की भांति, छेनी मैंने आपको कल बताया है दो प्रकार की बटाई थी, तो इन्हें छेनी की भांति हैमर से चोट कर मार कर इन्हें छेनी की भांति हैमर से चोट मार कर प्रयोग नहीं लेना चाहिए। तो इन्हें एक तरीके से छेनने की भांति भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दूसरा है कि इसको उपयोग में लेने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए चाहिए कि हैंडल पर कोई चिकना पदार्थ तो नहीं लगा है। नहीं लगा है। तो ये दो सावधानियां हैं, यहां से आप लिख सकते हो कि इन्हें क्या है, इन्हें छेनी की भांति कभी भी हैमर से चोट मारकर क्या नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इनको आप प्रयोग करते समय यह चेक कर लें कि इस पर हैंडल पर कोई चिकनाई तो नहीं लगी हुई है। अगर चिकना होगा तो हाथ से फिसल जाएगा और आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पर आपका पेचकस है वो जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और अगला टॉपिक आप हेडिंग डालो फेज टेस्टर। तो ये जो दूसरा वाला जो ये डायग्राम है ये आपको हेडिंग डालकर इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे चलते हैं हम फेज टेस्टर पर। आगे हमारा टॉपिक है फेज टेस्टर। फेज
फेज टेस्टर। फेज टेस्टर तो देखो फेज टेस्टर है वो, इसको पेचकस को मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं फेज टेस्टर। तो देखो फेज टेस्टर है जिसमें कौन कौन से भाग होंगे, तो ये देखो यहाँ पर जहाँ अपन उसको जेब में या रखते हैं तो एक क्लिप फंसाते हैं जेब में रखने से पहले, तो इस जो ये वाली जो कैप होती है इसका नाम होता है धात्विक कैप। और इस टेस्टर के अंदर जो हैंडल होता है उसमें क्या लगा रहता है, एक बल्ब लगा रहता है जिसका नाम रहता है नियोन लैम्प, ठीक है। और ये जो वाला भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, सेक बोला जाता है, जो पेचकस की तरह होता है। और आगे वाले भाग है इसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फेज टेस्टर है उसके में जो कंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार क्या होगा, एक तो धातु कैप होगी, नियोन लैम्प होगा, सेक होगा और क्या होगा, टिप होगी। तो ये कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4, तो चार क्या है इस फेज टेस्टर में क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो इन चारों भागों को मिलाकर किसका निर्माण होता है, फेज टेस्टर का निर्माण होता है। तो देखो यह है, अब इसमें लिख लेते हैं कि यह देखने में पेचकस के समान ही होता है। देखने में कैसा दिखता है, ये पेचकस के समान ही दिखता है, परंतु यह पेचकस नहीं होता है, परंतु यह पेचकस नहीं होता है, परंतु यह पेचकस नहीं होता है। मतलब देखने में तो कैसा दिखेगा आपको, पेचकस के समान ही दिखता है, लेकिन ये रियलिटी में जो देखा जाए तो ये पेचकस नहीं होता है। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके जो ब्लेड है उसकी लंबाई कितनी होती है, 8 सेमी होती है, 8 सेमी होती है। इसके जो ब्लेड की लंबाई है वो कितनी होती है, 8 सेमी होती है। फिर है कि इसके हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर, देखो ये एक तरीके से यह जो लगा हुआ है इसका नाम क्या है, कार्बन प्रतिरोध, जो कहाँ लगा रहता है, हैंडल में। तो एक तो कार्बन प्रतिरोध और एक नियोन लैम्प, ये दोनों कहाँ लगे रहते हैं, हैंडल के अंदर। तो इसके हैंडल में, इसके हैंडल में कार्बन प्रतिरोध तथा एक तो क्या रहेगा, कार्बन प्रतिरोध तथा एक नियोन लैंप, एक नियोन लैंप क्या है? तो हैंडल है उसके अंदर क्या क्या लगा रहता है, एक तो कार्बन प्रतिरोध लगा रहता है और एक नियोन लैंप लगा रहता है, तथा सेक सेक आपको दिख रहा होगा ये वाला भाग है जो क्या है, सेक। तो सेक और हैंडल के ऊपर, सेक और हैंडल के ऊपर, हैंडल के ऊपर धात्विक केप, देखो आपको धात्विक केप मैंने यहां पर
बताया है कि ये क्या है, धात्विक ऐप है, ये क्या है, कार्बन प्रतिरोध है, और ये नियोन लैंप है, और से एक यहाँ पर लगा रहता है। तो धात्विक कैप के बीच में, कैप के बीच संयोजित होता है, संयोजित होता है, संयोजित होता है। और इसको कार्य में लेते समय आपको क्या करना चाहिए कि इसे प्रयोग में लेते समय इसकी टिप को फेस के टच करके, फेस के टच करके धात्विक कैप को अंगुली से टच करने पर यह फेज की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये क्या करेगा, जब आप किसी फेस टेस्टर को काम में ले रहे हो तो आप क्या, आपको क्या करना है कि जो ये टिप वाला भाग है उसको फेज, उस जो पॉइंट है, 3 पिन प्लग या 5 पिन प्लग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, लगाएंगे, वो लगा कर देखेंगे, और पीछे से जो धातु कैप है इसको अंगुली या किसी भी तरीके से इसको टच करना है। तो जैसे ही फेज के अंदर ये लगेगा तो ये जो नियोन लैंप है वो क्या करना ये क्या है, ये जल जाएगा। तो अपन, हमको ये पता लग जाएगा कि फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो इस तरीके से इसको काम में लेते हैं। फिर है कि यह कितने वोल्ट तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फेज टेस्टर है वो कितने वोल्ट तक, क्या के मान तक को वो इसको कार्य में ले सकते हैं। तो यह 500 वोल्ट तक कार्य करने में सक्षम होता है, यह 500 वोल्ट तक कार्य करने में सक्षम होता है, सक्षम होता है। तो देखो यहाँ अपना फेस टेस्टर होता है, तो मैं एक बार वापिस आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो नियोन लैंप है उसका डायग्राम इस तरीके का होता है। यहाँ पर ये धातु कैप होती है और ये जो रेजिस्टेंस लगा रहता है इसका नाम होता है कार्बन प्रतिरोध। ये वाला जो बल्ब लगा रहता है हैंडल के अंदर वो नियोन लैंप कहलाता है, और ये जो वाला भाग है ये सेक कहलाता है, और आगे वाला जो मुंह होता है वो क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। अब ये क्या है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि यह देखने में किसके समान दिखता है, पेचकस के समान होता है, लेकिन वास्तविकता में ये क्या नहीं होता, पेचकस नहीं होता है। फिर है इसके ब्लेड की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर होती है, 8 सेंटीमीटर इसके ब्लेड की लंबाई होती है। फिर है कि इसके हैंडल में कार्बन प्रतिरोध, देखो हैंडल के अंदर आपको कार्बन प्रतिरोध दिख रहा होगा, तथा एक नियोन लैम्प, ये हैंडल के अंदर ही क्या होता है, नियोन लैम्प, तथा सेक और हैंडल, सेक ये रहा और हैंडल वो रहा, हैंडल पर के ऊपर धातु कैप के बीच में क्या होता है, यह संयोजित होता है। और इसे प्रयोग में लेते समय इसकी टिप को फेस के टच करके धातु कैप को अंगुली से टच करने पर यह फेज की उपस्थिति को क्या करेगा, दर्शा देगा। और ये जो फेज टेस्टर है ये कितने वोल्ट तक कार्य करता है, तो यह फेज टेस्टर है ये 500 वोल्ट तक क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, इतनी इसमें क्या है, कैपेसिटी है। तो आप यहाँ तक, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर ये थ्योरी इसके अंदर लिखनी है। तो यहाँ पर अपना दूसरा जो आज का टॉपिक था फेज टेस्टर, वो कंप्लीट होता है, और आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, टेस्ट लैंप। तो यहाँ तक आप उतारो।
आगे जो तीसरा नंबर आता है उसका नाम है हमारा टेस्ट लैंप, टेस्ट लैंप। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, टेस्ट लैंप क्या है। तो आपको क्या करना है, एक तो लैंप ने लेना है, उसको होल्डर में लगाना है, और इस तरीके से एक क्या है, बल्ब है, होल्डर है और तार है। तो इस तरीके से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, टेस्ट लैंप कहलाती है। तो ये टेस्ट लैंप है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ टेस्ट लैंप, टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप, ये टेस्ट लैंप है जो क्या कार्य आता है अपने इलेक्ट्रिशियन में। तो यह है विद्युत कार्य के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, औजार है, जिसे वह स्वयं बना लेता है। तो देखो विद्युत कार्य है, तो वो क्या करेगा कि विद्युत कार्य के लिए क्या है, एक तरीके से ये महत्वपूर्ण क्या होता है, औजार होता है। तो मैं आपको लिखवाते हुए चलता हूँ कि यह विद्युत कार्य के लिए, विद्युत कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है जो विद्युत कार स्वयं बना लेता है, जो विद्युत कार स्वयं बना लेता है। तो ये क्या है, एक तरीके से विद्युत कार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, औजार है, जिसे क्या है वह स्वयं बना लेता है। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, तो इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए एक बल्ब होल्डर तथा तार की आवश्यकता होती है। इसे बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता होगी, तो आपको एक तो बल्ब चाहिए, एक होल्डर चाहिए, और क्या है, एक तार की आवश्यकता होगी। और ये है मेन चीज कि इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इस टेस्ट लैंप का प्रयोग, इसका प्रयोग फेज न्यूट्रल, फेज का पता करने के लिए और कहाँ पर करेंगे, फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान करने के लिए, फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान करने में पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो ये, और इसका उपयोग कौन, कितने वोल्टेज तक की सप्लाई में अपन कर सकते हैं, और इसका प्रयोग 250 वोल्टेज, 250 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। तो मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, टेस्ट लैंप है जो ये अपना, ये डायग्राम है टेस्ट लैंप का। तो ये आपको सबसे पहले बनाना है, इसमें ये बना किन-किन से होता है, बल्ब होल्डर और तार, तीनों से ये अपन ये टेस्टिंग लैंप बना सकते हैं। यह विद्युत कार्य के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण औजार है जो विद्युत कार्य स्वयं बना लेता है, और इसे बनाने के लिए एक बल्ब होल्डर तथा तार की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग फेज न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान करने के लिए किया जाता है,
और इसका प्रयोग 250 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, एक तो पढ़ा पेचकस, दूसरा फेस टेस्टर और तीसरा हमने पढ़ा टेस्ट लैंप। तो यहाँ अपने तीन टूल और आज कंप्लीट हो गए। आगे हम नेक्स्ट जो कल के दिन, कल है जो आगे के और टॉपिक लेंगे। तो अपना जो चैनल है आईटीआई क्लासेज बाय महेंद्र सर यूट्यूब चैनल, दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अपना एक परिवार बन सके। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।